जिला बठिंडा च जिला परिषद अते ब्लाक समिति की चोण लई मैदान विच उतरे मनप्रीत सिंह बादल की अगवाई वाली पीपल्स पार्टी के हक च लोगों नूं लामबंद करन च जुटे लखा सिधाणा उहदे उत्ते अणपछाते गुंडियां ने गोलीबारी करके उस नूं जान तों मारन की कोशिश की। गुंडियां ने हमला उस वेले कीता सी जदों लखा सिधाणा आदमपुर पिंड चों लोगों की अगली मीटिंग नूं संबोधन करन लई तुर नहीं लग्या सी। हमलावरां ने लखा अते उसदे साथियों ते कई गोलियां चलाईयां जिस नाल लखा दा दोस्त जसप्रीत सिंह मौके ते ही मारिया गया सी, जबकि राजविंदर सिंह अते लखा खुद जख्मी हो गए सन। मौके ते मौजूद व्यक्तियों मुताबक लखे दे तीन गोलियां लगियां ने। इस दे नाल ही पीपल्स पार्टी आफ पंजाब दे प्रधान मनप्रीत सिंह बादल ने स्पष्ट शब्दों च इस हमले पिछे अकालियों नूं जिम्मेवार दस्या अते उन्होंने अपनी जान नूं भी खतरा दस्या। रैली समाप्त होने तों बाद जदों लखा सिधाणा जी आपकी गड्डी इधर नेड़े उन्होंने गड्डी खड़ी सी, गड्डी दे विच बहिंदे सीगे, उहदी इधरों 16-17 बंदे आए, कुछ दे दुपट्टे बन्ने हुए सी, कुछ मोने सीगे। उन्होंने आउण सार अन्ने वाह फायरिंग करती। मैं ट्राली दे उत्ते कल्ले खड़ा सीगा, मैं देखी जांदा सी सारा माजरा। इह मैनू 1-1.5 मिंट मैनू भी नहीं पता लग्या वी मैं ट्राली तों उतर जां। ते उह चंगी तरह जदों फायरिंग कीती, आह मुंडे दी जिहड़ी मौत होई है इह पिंड वासियां च रल के उन्हां दे मूहरे आ गया, मूहरे भजदा सीगा। ते जदों उन्हां नूं पता लग्या लखे सिधाणे दे बचण दा थोड़ा जिहा जिहड़ा कारण है, वह सारे ही इह मुंडे मगर भज ले। इत्थे उम्मीदवार मलकीत सिंह सरपंच दी रैली नूं संबोधन करन आया जी लखा सिधाणा। उहदी जदों रैली नूं उत्थे संबोधन करके उतरिया, उतरदे नाल कुछ बंदिआं ने आ के उहदे ते फायरिंग कीती। जिहड़ा जसप्रीत आ जसते किते भुलेखे नाल उधर नूं पब्लिक 'च हुंदा होया उहनां दे सामणे आ गया, उहनां ने पछाण लिया ते इहदे पिछे पए गोलियां इहदे मारियां ते लखे दे मारियां ते उह भज गया। इहदी मौके ते डैथ हो गई आ। दो बंदे होर इंजर ने, इक तां राजविंदर राजी आ ते इक हैगा लखा सिधाणा। हाले तक जी मामला की लगदा तुहानूं? मामला हले मैं कुछ नहीं कह सकता, कहने की स्टेज नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन के बाद जो तथ्य सामने होंगे मुताबिक असीं आंदे गा। इस सारे मामले ते स्वर्ण सिंह दानेवालिया बठिंडा तो साडे पत्रकार साडे नाल जुड़े हुए हैं फोन लाइन के उत्ते। पुछदे हां कि की चल रहा है इस वेले इस खास केस नूं लैके। स्वर्ण, देखा जा रहा पुलिस की निगाह नूं शक दे नाल देखा जा रहा, की कहोगे? देखो सुरेंद्र, सारे मामले के उत्ते पुलिस वालों जिहड़ा स्पष्ट कर दिता गया कि एक राजसी हमला नहीं सीगा, क्योंकि लखा सिधाणा की आपसी रंजिश का ही यह नतीजा सीगा। इस दे नाल ही जेकर देखा जाए सुरेंद्र, एक होर गल जिहड़ी तत् सामने आ रहा है कि एक लखा सिधाणा जिहड़ा कांग्रेसी टिकट दे उत्ते जिहड़ा एक उम्मीदवार जिहड़ा जिला परिषद की चोण लड़ रहा सीगा, उहदी रैली नूं भी संबोधन कर रहे सी इस वक्त। अते गुरप्रीत सिंह कांगड़ जो वाइस प्रधान ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस दे, उहनां दे पिंड दे बिल्कुल नाल जिहड़ी आ 1.5-2 किलोमीटर दे उत्ते रैली हो रही सीगी। पर गुरप्रीत कांगड़ वल्लों जेकर देखा जाए तां पिछले इन्हां दिनां दे विच कोई भी रैली है जिहड़ी लखे सिधाणे नाल सांझे तौर दे उत्ते नहीं कीती गई। इस तों कई गल्लां जिहड़ियां इक लोकां दे विच इह भी शंका जाहिर की जा रही है कि जिस तरह गुरप्रीत सिंह कांगड़ नूं किसी ना किसी तरह नाल पता हो सकदा कि लखा सिधाणा दे उप्पर कोई हमला हो सकदा, इस करके उह किसे भी कट तों जिहड़ा अपने आप नूं दूर रखदे सी। स्वर्ण, पुलिस अधिकारियां दा इस पूरे मामले ते की कहना? पुलिस अधिकारी ने जिहड़े इस गल नूं इक निजी रंजिश लैके चल रहे, इस दे उत्ते किसी प्रकार दा जिहड़ा सियासी हमले नूं उह नहीं अगे लिया रहे। लखा सिधाणा जिहड़ा हैगा उसका चंगी भल है, उस एरिए भल चंगी बनी हुई है, पूरा उसका काफ़ी लोगों के उठन बैठन है, उसका सर्कल बहुत वड्डा। की इन्हां चोणां दे दौरान ही उस उत्ते हमला होना सी? हमलावरां ने जे ये टाइम चुनिया तो क्यों चुनिया, किवें हो सकता है? सुरेंद्र, गल सब तो वड्डी गल है कि लखा सिधाणा जिहड़ा काफी क्रिमिनल एक्टिविटीज दे विच डकैतियां लै लो जां मर्डर लै लो जां उगराही दे मामलिआं दे विच इहदे उत्ते तकरीबन 11 मुकदमे दर्ज ने। ਅਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹਲਕਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਰਾਜਸੀ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਰੰਜਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਕਾਜ ਆ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੇਗੀ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਸਮਝਿਆ। ਜੀ ਸਿਰ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ?
देखो जेकर दोनों जेड़े फटड़ व्यक्ति ने लखा सदाना दूजा लड़का दोनों का जिहड़ा ऑपरेशन हो गया पर हालात दोनों की एक दी लुधियाना डीएमसी दूजा आदेश मैडिकल यूनिवर्सिटी के लखे सदाने का इलाज चल रहा इतने कल वह ऑपरेशन कर दिता गया जिहड़ा उसके खून बह रहा था खून बह के अंदर पै रहा उसे हाल की कड़ी रोक लिया गया पर डाक्टर मुताबिक जी हाल की कड़ी जी उसकी स्थिति है एक जी कहा जा सके अंडर सर्विलेंस है तो चिंताजनक जी है जी। लोगों की चुंझ चर्चा की चल रही है की गल्लां चल रही ने लखा सिधाणा बारे ते हमलावरां बारे? देखो सारिया जिहड़ियां गल्लां हाल की कड़ी इलाके के लोग जिहड़े चुप ने बेशक वह कह रहे हैं कि लखा सिधाणे का कद जिहड़ा इन्ना उच्चा नहीं सीगा कि उसके उपर किसी प्रकार का जिहड़ा सियासी हमला होवे क्योंकि लखा सिधाणा बेशक इत्थे देखा जाए तो इन्नी जिहड़ी आपां कह सकदे हां कि पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब दे नाल जुड़न करके जिहड़ा उसका कुछ सियासी रसूख बणिया सी जबकि उसकी आपकी निजी इत्थे जेकर कहा जाए बिना यूथ तो उसकी कोई इन्नी फॉलोइंग ज्यादा नहीं सी इस करके जिहड़े लोग यह गल कह रहे हैं किसी ना किसी प्रकार तरह नाल यह जिहड़ी है सियासी जिहड़ी है सियासत तो हट के जिहड़ा यह हमला होया है। स्वर्ण बहुत बहुत धन्यवाद है सारी जानकारी के लिए समय समय से थोड़े नाल राबता कायम करके होर जानकारी थोड़े तो लेंदे रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। खबरां दी दुनिया विच आओ साडे नाल कदे भी ते कितों भी जुड़ो आपां मिलांगे फेसबुक ते असीं दिखांगे यूट्यूब ते सानू फॉलो करो ट्विटर ते खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।